मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कछिया खेरा का है, जहां विगत दो माह से स्कूली छात्राओं को मध्याह्न भोजन वितरण में लापरवाही देखने को मिल रही है। छात्राओं ने बताया कि इस नूतन महिला स्व सहायता समूह की महिला अध्यक्ष पप्पी बाई कुशवाहा और सचिव जानकी बाई कुशवाहा दोनों ने मिलकर बच्चों को मिलने वाले खाद्यान्न भोजन को पलीता लगाया है। आपको बता दें, सरकार की तरफ से बच्चों के लिए जो राशन आता है उसे अध्यक्ष और सचिव मिलकर डकार लेते हैं। वहीं बच्चों को एक से दो बार ही गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाता है। इतना ही नहीं, रोटियां भी फेंक कर परोसी जाती हैं। जब इस मामले को लेकर टीकमगढ़ संवाददाता ने शिक्षक मिथिलेश कुमार अहिरवार से बात की तो उन्होंने वह मामले में सफाई देते हुए नजर आए। वहीं समूह संचालक ने शिक्षक मिथिलेश के लिए समूह से स्पेशल भोजन लाने की बात कही है। खाना तो अच्छा नहीं मिलता, खीर आती है वो भी पनीली, रोटी भी वो अच्छे से नहीं रखती हैं, फेंक देती हैं थाली में, और रोटी कच्ची भी आती है, पराठे तो आधे से ज़्यादा कच्चे आते हैं सर। अच्छा। और सब्जी भी अच्छी नहीं आती है, कभी कभी आती है अच्छी, कभी नहीं आती। नहीं, अच्छा नहीं मिलता है। पहले आपको शिकायत आई होगी तो उसमें हम लोगों ने नोटिस भी दिया समूह वालों को, और नोटिस देने के बाद उनको समझाइश भी दी कि स्कूल में अच्छा भोजन आना चाहिए। अब संस्था में सही भोजन आने लगा है और बच्चों से पूछ सकते हैं।